नमस्कार दोस्तों तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है और कैसे लिया जा सकता है अगर आप लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जैसे कि एल एम को बोलते हैं एल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है एंटिटीज के लिए क्योंकि डील कर रहे होते हैं इम्पोर्ट में मैन्यूफैक्चरिंग में पैकेजिंग में ऑफ प्रीपैकेस्ड मतलब पहले से कमोडिटीज इंडिया in में आप इंश्योर कर in कर कर तो करना पड़ेगा वेट्स को मीजर करना पड़ेगा पैकेजिंग को लेबलिंग ट्रेड और कॉमर्स को डेफिनेशन प्री पैकेज कमोडिटीज क्या होती है देखिए कॉमोडिटी जो प्लेस करी जाती है पैकेजेस विदाउट द परचेजर बींग प्रेजेंट कॉमोडिटीज प्लेस करी जाती है तो देखा जाए दोस्तों तो वो डेफिनेशन बोली जाती है प्री पैकेज कमोडिटीज की कमोडिटी जो कि प्लेस करी जाती है पैकेजेस में जब प्रेजर परचेजर एक तरीके से प्रेजेंट नहीं होता प्री डिटरमाइंड होती हैं ये और मिजरेबल क्वांटिटी में बहुत आसानी से दी जाती है लीगल फ्रेमवर्क देखा जाए तो देखिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट दो और लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स दो के अंडर इसके ऊपर सारे प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी हैं जो कि लीगल मेट्रोलॉजी गवर्नेंस रूल्स चलाती हैं उनका एक लीगल फ्रेमवर्क होता है इनके ऊपर ड्यू डेट एल रजिस्ट्रेशन की देखिए मस्ट बी ऑप्टेन 90 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ प्री पैकेजिंग ऑपरेशन अगर आप प्री पैकेजिंग ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं उससे 90 दिन पहले आप इसको ले लीजिए लेट फीस जो है वो 5000 है फॉर मिसिंग द डेड लेट फीस मैं बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट की लेट फीस होती है वो पाँच है फॉर मिसिंग द डेड जो ऊपर मिसिंग डेड है इसको मिस कर जाते हैं तो पाँच की आपको एक तरीके से लेट फीस देनी पड़ेगी अब प्रोसेस क्या है देखिए डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करनी पड़ती है आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार वोटर आईडी पासपोर्ट एड्रेस प्रूफ ठीक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एम ओ पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर पार्टनरशिप है तो प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस ठीक है जैसे कि रेंटल एग्रीमेंट और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड फॉर इम्पोर्टर्स सैम्पल ऑफ लेबलिंग और पैकेजिंग मटेरियल एडिशनल लाइसेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज़ ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है एप्लीकेशन सबमिट होती है लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट के बाद फाइलिंग मोड जो है ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ होता है डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट और एप्लीकेशन जो है वो, वो फीस होती है पाँच के करीब पेबल ओनली वाई डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन अब बात करें एप्लीकेशन रिव्यू सिस्टम क्या होता है देखिए डिपार्टमेंट रिव्यू करता है एप्लीकेशन को वेरीफाई करता है इन्फॉर्मेशन को इन एक्यूरेसीज जितनी भी हैं जो रिटर्न हो सकती हैं एप्लीकेशन को उनको रिटर्न कर देता है रेक्टिफाई करा के लाओ नहीं तो रिटर्न कर दी जाएंगे इंस्पेक्टर कंडक्ट करेगा ऑन साइट इंस्पेक्शन जाके उसके बाद इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार होती है डिसीजन लिया जाता है इंस्पेक्शन रिपोर्ट डिटरमाइन करती है कि हाँ जी आप एल के रूल्स के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे डिसीजन होता है कि हाँ जी आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करा जाए या रिजेक्ट किया जाए अप्रूव हो जाता है तो आपको एल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है अगर रिजेक्ट हो जाता है तो प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ता है पूरा का पूरा सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है पांच साल की रिक्वायर करता है रिन्यूअल हर पांच साल के बाद और अगर आपको इस चीज के बारे में और जानकारी चाहिए तो देखिए एल रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सपर्ट असिस्टेंट्स लें किसी ऐसे बंदे से जिसको इसकी प्री नॉलेज हो और बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज हो अदरवाइज़ आपके लिए दिक्कत होगी अदरवाइज़ आपके लिए सारी परेशानियाँ होंगी मैं यही बोलता हूँ हमेशा कि हाँ जी अगर आप लाइसेंसेस के लिए जाते हैं लाइसेंसेस आपको लेने हैं तो आप किसी कंसल्टेंट की मदद लें और उस कंसल्टेंट से पूरी भली भांति अच्छी तरीके से जान के पूरी चीज़ों को समझ के तब ये सारी चीज़ों का फ़ायदा लें अदरवाइज़ इसमें क्या है आपकी एप्लीकेशन लगती रहेगी वो रिजेक्ट होती रहेगी फिर रिटर्न होती रहेगी आपके लिए परेशानियाँ आप सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे आपका जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा जो पूरा प्रोसेस है हो सकता है आप पे पेनल्टी भी लग जाए तो ये चीज ध्यान में रखिए लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हम इसको बोलते हैं एलएमपीसी बोलते हैं इसको प्रॉपरली लेना जरूरी है विद ऑल ड्यू रिगार्ड विद ऑल ड्यूज रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल तो इस चीज का ध्यान में रखा जाए ये सारी चीजों का तभी इसको लिया जाए अदरवाइज आपके लिए दिक्कत है। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है एल के रजिस्ट्रेशन की कोई भी क्वेरी को लेके तो देखिए दोस्तों आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी के बारे में जानना चाहते हैं अपनी क्वेरी को समझना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी क्वेरी को समझ सकते हैं पूछ सकते हैं दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज नॉलेजेस के लिए थैंक यू